ये खूबसूरत ज्यादा लग रहा है हमको घोड़ा। उधर ये घोड़ा है, घोड़ी है, घोड़ा है तो घोड़ा इतना खूबसूरत कैसे, हम तो नहीं है इतना खूबसूरत यार। तो ये हैं हमारे दोस्त बकाई साहब। वैसे तो ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन कभी कभार ये व्लॉगिंग भी कर लेते हैं यार। वैसे तो यूट्यूब का काम इंतहाई फारिग काम है मेरी नज़र में, लेकिन आप सदा के फारिग हैं तो सोचा हम यही काम कर लें। और जान पूछ के लेसेस खोलने के बाद दोबारा से बांधने वाला ये जो शख्स है, ये हूँ मैं। और मैं अपनी तारीफ़ में कह तो बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन यार वो अपने मुंह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती। अरे सबसे बड़े मैले तरीन इंसान, कैप भी मेरा मांग के पहने में। अस्सलामुअलैकुम। असल में कराची जब भी आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों को या तो कचरे की याद आ जाती होगी या तो स्ट्रीट क्राइम की याद आ जाती होगी, लेकिन चक्कर यह है कि ये सारी वो बातें जो आपको न्यूज़ में बताई जाती होंगी। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं भाई? आज हम आपको बताने वाले हैं कि कराची की स्पेशलिटी क्या है, आखिर क्यों कराची को हार्ट ऑफ द पाकिस्तान कहा जाता है, और कराची वालों के बारे में कुछ बातें जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई कराची वालों की ना रगों में तीन चीज़ें दौड़ रही हैं। पहला तो घूमना, दूसरा खाना खाना, और तीसरा शॉपिंग। आइए आपको विजिट कराते हैं। यूनिक लाइब्रेरी है जिसके पीछे आप देख सकते हैं मैं बैठा हुआ। ये लाइब्रेरी बनाई गई है 1860 में, जो कि अंग्रेज़ों ने बनाई थी। और ये लाइब्रेरी ऐसी है, इसमें आपको जितने भी पुराना आपको स्टफ चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, इनफैक्ट कि आपको न्यूज़पेपर्स तक यहाँ पे अवेलेबल है 1960 से टिल अब तक। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी विज़िटर्स यहाँ पर आते हैं उनको लाजमी ये जगह विज़िट करनी चाहिए। बुरी बात यह है कि लाइब्रेरी हम आपको अंदर से दिखा नहीं सकते, क्योंकि हफ्ते का दिन है आज और लाइब्रेरी आज होती है बंद। हमें पता है कराची में घूमने की जगह है तो नहीं वैसे, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कराची का बड़े से बड़ा मेला और बड़े से बड़ा बर्गर, वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। समझ तो गए होंगे आप लोग कौन सी जगह का बात। भाई पानी से रिलेटेड ये हमारे दोस्त हिस्ट्री बताने वाले हैं कुछ। भाई हिस्ट्री ये है, हमने बचपन से सुना है कि पानी जो है ये सामने आप देख रहे हैं इन सब के आगे था, मतलब ये सब पानी था और ये पानी चला गया पीछे। लेकिन जो कदीम हिस्ट्री कहती है कि पानी जब अपनी जगह छोड़ता है तो अपनी जगह पे वापसी जरूर आता है, ये है हिस्ट्री। अबे तो भाई सोचो कौन कौन डूब। और फिर आपके भाई ने घोड़ा ना सिर्फ चलाया बल्कि दौड़ाया, लेकिन पोज मारते हुए इस शख्स ने मेरी वीडियो ही नहीं बनाई। लेकिन आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। कराची में तो सब बिकता है। ए पास भाई क्या आपने कराची का सदर देखा है?
और सदर, ये कराची का वो इलाका है जहाँ पे आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। बस आप ये बताइए कि आपको चाहिए क्या। ट्रेन से बहुत बाहर है यार, हम क्या करें, गरीब आदमी किधर जाए। दो नंबर है ना, वो वाला अच्छा लग रहा है। ये भी फ्री नहीं आया भाई। ये तो है यार, तुमने पैसा लगाया, हम गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। मतलब आप लड़के की नेचुरल एक्टिंग चेक कर रहे हैं, जेब में एक थैला नहीं है, लेकिन किस तरह ये रेट लगवा रहे हैं। ये भी वो इमारत है जो अंग्रेजों ने आज से 100-200 साल पहले बनाई है, और मुझे समझ नहीं आता ये हमारे मुल्क में सिर्फ क्या अंग्रेज ही अच्छा काम करते हैं। खानों के एतबार से ना कराची अपनी मिसाल आप है, लेकिन जब बात की जाए बिरयानी की, वो तो आपको पता है कराची जैसी तो पूरे मुल्क या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। यार ये कराची की मशहूर बिरयानी है, जिसे स्टूडेंट बिरयानी के नाम से जाना जाता है। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में। नहीं नहीं भाई, ये 1940s में इस्टेब्लिश हुई। जी नहीं सर, क्या हो गया आपको 1999 में? ज़रा कम मुताला। अच्छा, बहरहाल इन शॉर्ट कहने का मकसद ये, हम सदर में बैठे हैं, स्टूडेंट बिरयानी खा रहे हैं, बहुत थक गए काम से, अब सोचा कुछ बिरयानी खा लें। दिल में है जानू वो बोल दो। ये लौंडा शर्मा रहा है।